बीकानेर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्सा विभाग और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम श्वसन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि कोरोना संक्रमण एक दूसरे में ना फैले, इसके लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 मई से वैक्सीनेशन 18 साल एंड अबव के लिए चालू कर देगी, तो लोग भयभीत ना हो वैक्सीनेशन से, कि वैक्सीनेशन से कोरोना फैलता है। ऐसा भ्रांति जो लोग फैलाते हैं, मैं उस पर लगाम लगाना चाहता हूँ। अगर आप वैक्सीनेशन होंगे तो आपकी सेफ्टी रहेगी, आपकी बॉडीज में एंटीबॉडीज रहेंगी। अगर आप गलती से किसी संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं तो आपके जो बीमारी है वो इतनी गंभीर नहीं होगी, आपकी माइल्ड से मॉडरेट बीमारी होगी, आप उससे बचाव होता है। जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनके हिसाब से माकूल व्यवस्था है। हमारे पास 500 बेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जिनमें से कि 64 बेड्स आईसीयू के हैं। इसके अलावा हमने अभी और चिन्हित किए हैं 30 बेड और चिन्हित किए हैं, जिन पर एक दो दिन में और आईसीयू व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमने 500 बेड और चिन्हित किए हुए हैं पीबीएम में, जिन पर कि ज़रूरत पड़ने पर, भगवान ना करे जरूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ पर भी व्यवस्था कर सकते हैं। और इनमें से भी 80% बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन पोर्ट वाले हैं, जिन पर कि ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी।